अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी का लाइव सिटी में स्वागत है। धर्म से संबंधित अनेक विषयों पर लाइव सिटी लोगों के मन में जो किसी भी प्रकार का भ्रम है उस भ्रम के निवारण हेतु और सम्यक रूप से जो शास्त्रीय मार्गदर्शन है उसके पालन करके सुखी रहने की जो प्रक्रिया है उस पर विचार व्यक्त करने के लिए उपाय करते रहा है। उसी के अंतर्गत आज का विषय वास्तुशास्त्र है। वास्तुशास्त्र बसति शब्द से बना है, जहाँ रहने से आत्मिक शारीरिक मानसिक और आर्थिक इन सभी चीज़ों का उन्नयन हो वह वास्तुशास्त्र है। वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करने से इन सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है। वास्तुशास्त्र में कहा गया कि इससे क्या होता है, तो एक पुस्तक वास्तुशास्त्र का वास्तुमुक्तावली है, उसने लिखा शास्त्रे नानेन सर्वस्य लोकस्य परमं सुखम चतुर्वर्गम फलप्राप्ति सुलोकश्च भवेत् ध्रुवम शिल्प शास्त्र परिज्ञाता मृत्योपि सुजेतां व्रजेत परमानंदम जनकम देवानामिदमीरितम शिल्पम विना नहि जगतीषु लोकेषु विद्यते जगत विना न शिल्पांश्च वर्तते वासव प्रभु। अर्थात इस शास्त्र की विशेषता है कि लोक में यह परम सुख को देने वाला है। चतुर्विध पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सभी की प्राप्ति इनके नियमों के पालन करने से होता है। मृत्यु इत्यादि का जो भय है उस भय से वह मुक्त होता है, परम आनंद की प्राप्ति होती है और देवताओं के तरह सम्मानित होता है। कहा अगर शिल्प के बिना वास्तु के बिना वह गृह इत्यादि का निर्माण करता है उसके नियमों का पालन नहीं करता है, तो कहा कि उसकी जो उन्नति है उसके जो पुरुषार्थ हैं उस पुरुषार्थ में ग्रहण लग जाता है। जैसे सूर्य अत्यंत प्रखर होने के बाद भी जब बादलों के बीच आ जाता है तो उसके रश्मियाँ जो है उसके जो किरण हैं वह पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता है। कहा वास्तुमूर्तिम परम ज्योति वास्तुदेव पराशिव वास्तुदेवस्तु सर्वेशाम वास्तुदेवम नमाम्यहम। शास्त्र ने वास्तुदेव की बार बार वंदना की है। मत्स्य पुराण में दिया कि वास्तुदेव हैं क्या, वस्तुतः अंधकासुर के उद्धार के क्रम में भगवान शिव के शरीर से एक अत्यंत ही बलशाली और क्रोधी जीव उत्पन्न हुआ, देवता भी उससे भयग्रस्त हो गए। तो सभी देवताओं ने ब्रह्मा से जब प्रार्थना की तो उसको पृथ्वी पर उन्होंने फेंक दिया अधोमुख मुख के तरफ से। ऐसा करने से और उसको उन्होंने वरदान दिया ब्रह्मा जी कि कोई भी व्यक्ति अगर तुम्हारी पूजा किए बिना गृह इत्यादि का निर्माण करेगा तो उसको सुख इत्यादि की प्राप्ति नहीं हो पाएगी।
तो यह तो शास्त्रीय बात हुई, पुराणों की बात हुई। पुराण जो है वह प्रतीक में बात करता है, पुराण जो है वह संकेत में बात करता है, पुराण जो है वह परिवेश के अनुसार बात करता है। लेकिन इसके भौतिक आधार भी हैं, वैज्ञानिक आधार भी हैं, क्योंकि संसार में, संसार जो है यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पंच तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी के भीतर उसके चुंबकीय प्रभाव हैं, जो तेज है अग्नि, जिसके प्रतिमूर्ति सूर्य हैं, वह प्रकाश से प्रभावित करता है। तो इन सबों का अगर सम्यक उपयोग नहीं होता है तो व्यक्ति जो है वह आकाश का गुण ध्वनि है, ध्वनि का अगर सही उपयोग न हो तो व्यक्ति के मनोव्यथा बढ़ जाते हैं और उसके मनस्थिति में जो ऋणात्मक गुण है उसकी वृद्धि हो जाती है, उसके संकल्प जो है वह सही नहीं हो पाते हैं और उसको जो जितने उसमें परिश्रम करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। वास्तु के तीन अंग बताए गए, भूमि, भवन और भवन की सज्जा। आज का विषय भूमि पर केंद्रित होगा। भूमि अगर अनुकूल न हो तो उस पर बनाए गए भवन जो हैं वह अनुकूल फल देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। भूमि के पांच परीक्षण के स्रोत बताए गए कि इन सभी विषयों पर परीक्षण करके तब भूमि का चयन करना चाहिए। प्रथमतः भूमि किस वर्ण का है? वर्ण जो है वह विशेषण है, संज्ञा नहीं है। अर्थात भूमि में कौन कौन से गुण हैं तो उसमें बताया गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार प्रकार की मिट्टी होती है, चार प्रकार की भूमि भी होती है और यह क्रमानुसार फल देने वाला होता है। जो मिट्टी सफ़ेद वर्ण का हो, जिस मिट्टी में मिठास का स्वाद हो, जिस मिट्टी में सुगंध की अनुभूति होती हो, वह मिट्टी सर्वोत्तम है। उस मिट्टी का, उस भूमि का चयन करना चाहिए और वह आपके वृद्धि के लिए सहायक होगा। जो भूमि लाल वर्ण की है, जिसका स्वाद कषाय है, जिससे रक्त के गंध आते हों, वह क्षत्रिय वर्ण का है। अगर विजय इत्यादि की अपेक्षा है, कामना है, तो वहाँ पर अगर भवन निर्माण किया जाए तो विजय की प्राप्ति होती है और राजसी गुण की वृद्धि होती है। पीले रंग की मिट्टी जो है वह वैश्य वर्ण की मिट्टी है, धन धान्यादि की वृद्धि इस मिट्टी में विशेष रूप से होता है। और कृष्ण वर्ण का जो मिट्टी है यह शूद्र वर्ण का है, यहाँ सेवा इत्यादि कार्य में वृद्धि होती है। तो इस अनुसार पहले तो इसका चयन करना चाहिए। फिर दूसरा यह देखना चाहिए कि यह भूमि जागृत है, सुप्त है अथवा मृत है। जागृत भूमि ही अच्छे फल देने में समर्थ होता है, जो सुप्त है उसको पुनर्जागृत किया जा सकता है, लेकिन जो भूमि मृत है उस भूमि को त्याग देना चाहिए। उसकी परीक्षा करने के लिए, परीक्षण करने के लिए बताया कि कैसे यह समझेंगे कि यह भूमि मृत है, यह भूमि सुप्त है और यह भूमि जागृत है। तो कहा कि नैऋत्य कोण में एक गड्ढा बना ले और उसमें एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा और एक हाथ गहरा, उसमें सायंकाल जल भर दे। अगर प्रातःकाल सूख करके उसमें दरार पड़ जाता है तो इसका मतलब है कि वह भूमि मृत है। अगर उस भूमि में कीचड़ रह जाता है तो इसका मतलब है कि वह भूमि सुप्त है। और अगर उस भूमि में जल
रह जाता है तो वह भूमि जागृत है। इस आधार पर भूमि का चयन करना चाहिए। अगर वह मृत भूमि है तो मृत भूमि का प्रथमतः तो परित्याग ही करना चाहिए। सुप्त को जगाने का उपाय है, वह शास्त्रीय वास्तु शांति इत्यादि से उसका हो जाता है। और जागृत जो भूमि है उसमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके बाद है कि भूमि के भीतर अगर अपद्रव्य पड़े हुए हैं, हड्डी इत्यादि पड़ी हुई है, तो भी वह भवन निर्माणकर्ता की वृद्धि में ह्रास करता है, उसकी वृद्धि नहीं होने देता है। तो विज्ञ ज्योतिषी जो वास्तुशास्त्र का भूमि शास्त्र का ज्ञान रखता हो, उसके द्वारा शल्यानयन की प्रक्रिया होती है वास्तुशास्त्र में हड्डी के निकालने का, उसको कर लेना चाहिए। उसके करने से वह भूमि शुद्ध हो जाता है। और पांचवा है कि भूमि की दिशा किधर हो। पूर्व पश्चिम भूमि अच्छी है, उत्तर दक्षिण भूमि अच्छी है, तो शास्त्र कहता है कि जो पूर्व पश्चिम लंबी भूमि हो उसमें सूर्य का वेद होता है। प्रवेश इत्यादि के लिए तो वह उत्तम है, लेकिन वह उसका उपाय करने के बाद ही उसको ग्रहण करना चाहिए। चंद्र वेद जो उत्तर से दक्षिण की भूमि है वह प्रथम स्थान पर माना गया है, लेकिन उसमें प्रवेश सदैव उत्तर के तरफ से हो, दक्षिण के तरफ से न हो। तो चंद्रवेद की भूमि जो है ये उत्तम मानी गई है। उसके बाद भूमि में दिया है कि चार प्रकार के विशिष्ट हैं, गज पृष्ठभूमि है, नाग पृष्ठभूमि है, कूर्म पृष्ठभूमि है, अर्थात जो भूमि हाथी के पीठ की तरह बढ़ा हुआ हो उसको गज पृष्ठ कहा जाता है, जो कछुए की पीठ की तरह हो उसको कूर्म पृष्ठ कहा जाता है, जिसकी आकृति नाग की तरह हो वह नाग पृष्ठभूमि कहा जाता है। तो ऊपर के जो दो हैं वह तो ग्राह्य है, उसको तो ग्रहण करना चाहिए, लेकिन नाग पृष्ठभूमि का परित्याग करना चाहिए। तो इस तरह से वास्तुशास्त्र के 18 ऋषि हुए। 18 ऋषि में हैं भृगु हैं, अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, विश्वकर्मा हैं, मय दानव हैं, नारद, इस तरह से 18 ऋषि हैं जिन्होंने वास्तुशास्त्र पर परीक्षण किया, वास्तुशास्त्र का अन्वेषण किया और वास्तुशास्त्र का अनुपालन कराने के लिए मार्गदर्शन दिया। तो भूमि जो है वह प्रथम है, भूमि जो है वह मूल है। अगर मूल उत्तम नहीं होगा, जड़ अगर अच्छी नहीं होगी, नींव अगर अच्छी नहीं होगी, तो भवन भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए भवन अगर अच्छा हो, अनुकूल फल देने वाला हो, सुख शांति समृद्धि में सहायक हो, तो उसके लिए सर्वप्रथम जो है वह भूमि का चयन करना चाहिए। लेकिन ऋषियों ने अपनी दूरदृष्टि से यह भी देखा कि एक काल ऐसा आएगा जहाँ पर भूमि के चयन में इन मानकों को निर्धारित करना कठिन होगा, क्योंकि भूमि की उपलब्धता अगर एक ही वर्ण की है तो उसका परित्याग नहीं किया जा सकता है, उस पर भवन निर्माण करने की व्यवस्था जो है वह करनी पड़ेगी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी और आवास तो सभी को चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने उसका परिष्कार बताया, उसका उपाय बताया, कहा कि किसी भी वर्ण की भूमि हो उस वर्ण को आप ग्रहण करिए, लेकिन ग्रहण करने के बाद उसका जो वास्तुशास्त्र से संबंधित उपाय बताया गया उस उपाय को करना चाहिए। तो उसने बताया कि तीन ऐसे स्थान हैं जहाँ पर वास्तु शांति करनी चाहिए। प्रथमतः जब नींव आप डाल रहे हैं
तो नीव में भी वास्तु शांति जो शास्त्रीय विधि बताया गया है उसके अनुसार करना चाहिए। उस क्रम में बताया कि वेद मंत्र में यह विशिष्टता है कि वह अनेक प्रकार के दोषों को अपने ध्वनि के प्रभाव से निरस्त कर देता है। तो वेदज्ञ ब्राह्मण को बुलाकर वेद पाठ के माध्यम से वास्तु शांति की प्रक्रिया का अनुपालन करना चाहिए। जब वह इस प्रक्रिया से वास्तु शांति कराता है तो प्रथमतः जो दोष है उसकी निवृत्ति होती है। दूसरा कहा कि भवन निर्माण करके जब आप उसमें खिड़की लगाने लगें, किवाड़ लगाने लगें, कहा एक वास्तु शांति वहाँ पर भी करनी चाहिए। और तीसरा कहा कि गृह प्रवेश जब करें तो गृह प्रवेश के समय में वास्तु शांति करनी चाहिए। वास्तु शांति की प्रक्रिया जो है वह शास्त्रों में विस्तृत रूप से दिया गया है। कहा कि अन्य कार्य आप इसमें करें या न करें, लेकिन वास्तु शास्त्र के शांति का अवश्य करना चाहिए। इससे आपके जितने भी दोष हैं, ज्ञात अथवा अज्ञात, बहुत से ऐसे दोष हैं जिसका निवारण आप चाह के भी नहीं कर पाएंगे। वैसी स्थिति में जो ज्ञात अथवा अज्ञात दोष है, उस ज्ञात अज्ञात दोष के निवृत्ति के लिए वास्तु शांति करना चाहिए। तो इस तरह से भूमि का निर्धारण करके, भूमि का सही चयन करके, भूमि के दोषों का परिष्कार करके, जब कोई भवन निर्माण में संलग्न होता है और उस भवन में वह प्रवेश करता है तो उसके सुख शांति समृद्धि में वृद्धि होती है, उसके धन धान्य में वृद्धि होती है, उसके यश मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, उसका आयु जो है वह प्रकृति के अनुसार उसका उपभोग करता है, स्वस्थ रहता है, चिंता से मुक्त रहता है, मन कर्म वचन तीनों से वह संतुष्ट होता है। तो इसलिए वास्तुशास्त्र के प्रथम जो सोपान है भूमि, उस भूमि पर प्रथम विचार करके तब भवन निर्माण की प्रक्रिया में लगना चाहिए। यह सभी के लिए जानना आवश्यक है, मानना भी आवश्यक है, तभी उसका सर्वविध कल्याण हो सकता है। तो इस कामना से कि जो भी इस कार्य में संलग्न हो उसका बहुविधि उसकी प्रगति हो, बहुविध उसके सुख शांति समृद्धि की वृद्धि हो, बहुविध उसको लक्ष्मी यश इन सब की वृद्धि हो, इस कामना के साथ ही आज इस विषय के प्रथम सोपान को यहाँ पर विराम देते हैं। नमो नारायणाय, नमो नारायणाय, नमो नारायणाय।